डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकेंड बाद स्टार्ट आधार दुनिया में सबसे बड़ा अनूठा डिजिटल पहचान प्रोग्राम है इसने भारत को विश्व में में इतने कम समय में ही एक ऐसा डाटा संपन्न देश बना दिया है जिसका हर निवासी डिजिटल पहचान से सशक्त है इससे देश सुदृढ़ और समृद्ध होने के साथ ही भ्रष्टाचार से भी मुक्त होने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है भारत ने आधार कार्यक्रम को सुशासन और अपने गरीब तथा वंचित लोगों के सशक्तिकरण और उनकी सेवा के लिए विकसित किया है अन्य देशों में बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम मुख्य तौर पर सुरक्षा जैसे सीमा प्रबंधन आदि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जबकि आधार उनसे एकदम भिन्न पहचान प्रोग्राम है यहाँ मुझे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद आती है जिन्होंने कहा था कि केंद्र से भेजे गए एक रुपए में से सिर्फ पंद्रह पैसे ही लोगों तक पहुंच पाते हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि सरकार द्वारा भेजा गया हर रुपया पूरा का पूरा सीधे करोड़ों लोगों के बैंक खातों में पहुँचे आधार के जरिए प्राप्त सेवाओं और बैंक खातों में सीधे सब्सिडी का पैसा आने से करोड़ों गरीब और अन्य तबके के लोग प्रसन्न हैं इसने देश के गरीब और वंचित लोगों के वित्तीय समावेशीकरण का भी काम किया है और उन्हें मुख्यधारा में लाया है इसने पाँच करोड़ से भी ज्यादा लोगों को बैंक खाते खोलने में मदद की है अब तक से भी अधिक लोगों ने अपने आधार को अपने बैंक खातों से जोड़ दिया है और वे सरकारी लाभ या सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं पैरा आधार प्रोग्राम की शुरुआत 2009 में सप्र द्वारा की गई थी पर इसके बीज भाजपा सरकार द्वारा 2003 में ही बो दिए गए थे बहरहाल शुरुआती वर्षों में आधार को आलोचना का सामना करना पड़ा आलोचना के कई मसले थे जैसे आधार का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा और किसके लिए नहीं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाम आधार नागरिकता डाटा की हिफाजत और निजात के उपायों का अभाव आदि जब 2014 में राज्य सरकार आई तो उसने तुरंत इनका हल निकालना शुरू कर किया और आखिरकार 2016 में आधार अधिनियम लेकर आई इस कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि किन उद्देश्यों के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाएगा और कहां इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा पैरा एक तो करोड़ से भी अधिक लोगों ने आधार के तहत अपना पंजीकरण करा लिया है वयस्क आबादी के निन्यानवे फीसद भी ज्यादा लोगों के पास आधार है मौजूदा फोकस स्कूलों और आंगनबाड़ी में बच्चों के पंजीकरण पर है सरकार ने आधार के इस्तेमाल की शुरुआत पीडीएस पहल मनरेगा पेंशन स्कॉलरशिप आदि कार्यक्रमों से की थी अब इसका विस्तार लगभग सौ कल्याण कार्यक्रमों तक कर दिया गया है इस तरह यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी लाभ सिर्फ वंचित लोगों को मिले और विमान बिचौलियों द्वारा इसे हड़पा न जा सके इसने परिणाम देना भी शुरू कर दिया है आधार ने मनरेगा पहल स्कूल पीडीएस आदि कार्यक्रमों में करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को हटाकर ढाई साल पहले से भी कम वक्त में उनचास हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम की बचत की है विश्व बैंक ने गत वर्ष अपने डिजिटल डिविडेंड रिपोर्ट में कहा था कि अगर भारत सरकार की तमाम योजनाओं में आधार का इस्तेमाल किया जाए तो हर साल ग्यारह अरब डॉलर की बचत की जा सकती है विश्व तो बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने कहा है अगर इसे व्यापक रूप से अपनाया जा सके तो यह दुनिया के लिए अच्छा हुआ इस साल गणतंत्र दिवस से पहला पखवाड़ा भारत की विदेश नीति को समर्पित रहा राजधानी दिल्ली में 16 से 18 जनवरी के बीच सोलह का आयोजन हुआ सैकड़ों वैश्विक नीति निर्माताओं सरकारी अधिकारियों कैबिनेट मंत्रियों भारतीय अधिकारियों अकादमिक जगत की हस्तियों निजी क्षेत्र के दिग्गजों और मीडिया के नामचीन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में होता है इस बार इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया अब यह भारतीय विदेश नीति एक प्रमुख आयोजन बन गया है इसके उद्घाटन सत्र का सार यही रहा कि भारत और इसराइल के बीच रिश्ते और घनिष्ठ होते जा रहे हैं नेतन्याहू के भारतीय दौरे के बीच ही एक पड़ाव यह भी था दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बाबत उन्होंने दोहराया कि मुकाबले में केवल मजबूत और दमदार प्रतिद्वंदी ही अपना अस्तित्व बचा पाते हैं और ऐसे में आपको मजबूत साथी के साथ ही गठजोड़ करना पड़ता है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है तब से भारतीय विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव देखने को मिला है इसराइल के अस्तित्व में आने के बाद वहां का दौरा करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री बने भारत इसराइल का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है जहां दोनों देश अरबों डॉलर के रक्षा सौदों में लगे हैं दोनों देशों ने परस्पर सामरिक एवं आर्थिक रिश्तों को मजबूती दी है पैरा अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते एक नए दौर में दाखिल हुए हैं अक्टूबर दो दौर के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलर्सन ने कहा था कि अमेरिका और भारत गहन सामरिक साझेदार के तौर पर उभरे हैं जहां रक्षा संबंध हो आतंक विरोधी अभियान के साथ साथ ऊर्जा सहयोग में दोनों देशों के रिश्ते में और आई है भारत और अमेरिका मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास रक्षा तकनीक एवं व्यापार पहल और आसान आवाजाही एवं ढुलाई के लिए लिमो जैसे समझौते के जरिए काफी करीब आ चुके हैं उस दौरान टिलरसन ने पाकिस्तान की भी जिक्र करते हुए कहा था कि जो देश अपनी सरकारी नीति में आतंक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें मात खाने और बदनामी के अलावा कुछ और हासिल नहीं होगा वहीं इस साल के पहले दिन ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान को सन कर दिया उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका को बरगलाता आया है और इस आधार पर उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और फर्जी का सहारा लिया है ट्रंप ने कहा कि 15 वर्षों के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की सहायता दी और उधर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनागाह मुहैया कराता रहा पाकिस्तान द्वारा अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर उचित कार्रवाई में हिचक से यह जाहिर भी होता है पैरा आतंक को पोषित करने के चलते पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी भर्तना हो रही है आईएसआईएस को हराने के लिए बने वैश्विक गठजोड़ का भी वह हिस्सा नहीं है दिलचस्प बात वही है कि चीन का नजरिया अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग है बीजिंग का मानना है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने बहुत त्याग किया है समाप्त